आज अपने बीच कॉमन राइटर जिसका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, कल आज ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, जोरदार तालियों से उसका स्वागत करें। और फाइनल सिलेक्शन और फाइनल ड्रेस में भी जिसमें उसकी एंट्री होगी उस ड्रेस में भी आया, ये आर्मी में व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट शूज यही रहता है पूरा, इसी के साथ ज्वाइनिंग पर जा रही है। बड़े नसीब वालों को मिलता है ये पल, समझो ना, ये ड्रेस पहनना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो दिन रात मेहनत करेगा, जिसका जुनून आर्मी के लिए रहेगा, वही इस ड्रेस को पहन पाएगा। तो बट आज आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है और आप जा रहे हो ट्रेनिंग, आपको कितना अच्छा लग रहा है आप खुद बताएं, थोड़ा कैमरा पास में ले आए बेटा। आज इतनी खुशी मिल रही है, इतना माँ के और पापा के सपने पूरे हो गए, आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है। माँ और पापा के सपने पूरे हो गए, देखो अपन मेहनत करते हैं, अपने से ज्यादा अपने मम्मी पापा मेहनत करते हैं घर पे, इस बात को विशेष कर ध्यान रखें सभी लोग। आज इसके साथ साथ इनके मम्मी पापा के सबके परिवार के सबके सपने पूरे हो जाते हैं, जब एक लड़का एक फैमिली से निकल के जाता है ना, तो सभी के सपने अच्छे रहते हैं। बेटा आप इस ग्राउंड का वर्कआउट के बारे में बताओ कि इधर क्या आपने किया, कैसा पनिशमेंट मिली, कैसा रहे आपके लिए? सर ने बताया वो किया, उससे टाइमिंग अच्छी आने लगी, पहले 6 आती थी, उसके बाद मेरी 4:50 एडजस्ट रह गई थी और मैं दौड़ मार गया। दौड़ जाओ, तालियों से स्वागत, चलो आयो। चलो 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 आ जाओ, आप राजू बैठ उधर पीछे बैठ, चलो तू तो खेल राजा बेटा, ये तैयारी कर रहे हो, ये एमपी पुलिस का बैच चल रहा है पूरा, इधर आयो इधर आयो, ये एमपी पुलिस का बैच चल रहा है, इन बहनों के लिए इन भाइयों के लिए क्या कहना चाह रहे हो आप? बस सर बता रहे हैं वर्कआउट करते रहो, आपकी दौड़ नहीं रहेगी, दौड़ नहीं रहेगी, पोला नहीं रहेगा, लॉन्ग जंप नहीं रहेगी, इधर वर्कआउट इतना हार्ड वर्कआउट की जरूरत होगी जब मैं आपको हार्ड वर्कआउट कराऊंगा, इधर नॉर्मल वर्कआउट चलता है, नॉर्मल वर्कआउट से ये नहीं पता चलता कि कब अपनी टाइमिंग चली गई, और बार बार एक ही वर्कआउट चलता रहेगा तो आपकी टाइमिंग भी नहीं घटेगी और आपको बहुत अंदर से ये लगेगा कि क्या चल रहा है। इधर वर्कआउट कर सकता फिजिकल एकेडमी का ऐसा वर्कआउट है भाई, जिसने कर लिया उसे कोई रोकने वाला नहीं है, और इधर से इतने फौजी बनते हैं, उसकी सीमा 15-16 फौजी एक साथ बने हैं, तो ये भी कुछ महत्व रखते हैं अपने आप में। और इससे पहले रेलवे का धमाका हुआ था, 12 लोग बैठे हैं रेलवे में, ग्रुप डी में, एसएससी जीडी में गए दो लड़के, नर्सिंग में गए दो लड़के, उसके बाद में सभी भर्तियों में तकरीबन अपने लड़के सभी में जा रहे हैं। तो यही है कि आप अच्छे से मेहनत करो, आप अच्छे से तैयारियां करो और आपको सफलता जरूर मिलेगी। और दूसरी दुकान में